टॉप वन होने वाले थे, 200 की लीड थी, 200 की लीड थी, जिसको मैं 2-3-4 घंटे में कवर कर देता और मैं टॉप वन हो जाता। वो आईडी सस्पेंड कर दी गई लाइव पर। एंड देखो इसका रीजन छोड़ो, तुम लोगों को पता मैं हैकर तो हूँ नहीं भाई, और हैकरों से मेरे को सख्त नफरत है। तो करीना वालों को लगा कि भाई ये प्लेयर कुछ अलग है भाई, AWM से क्लच कर रहा 1v4, 25-25 किल, 30 की KD, अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड प्लेयर है ये तो। बाय 90 लेवल की आईडी दिख रही है, और थोड़ी सी आगे और उंगली करूंगा तो यहाँ पे वीवेज भी दिख रहा है, मतलब उंगली जा रही नहीं है वहां तक, लेकिन वीवेज दिख रहा है। तो ये जो गाइस आईडी है, जो वीवेज है, ये वीवेज आपको कुछ दिनों बाद से इस आईडी पे नहीं दिखेगा। मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है कि मैं पार्टनर प्रोग्राम लीव कर रहा हूँ अभी के लिए। क्या हमारा अनग्रेजुएट गेमर यानी कि हमारा आयुष गेमिंग ने फ्री फायर किट करने वाला है? क्योंकि अभी गेम में उसकी आईडी को लेकर बहुत सारी दिक्कत चल रहा है और तो और पार्टनर प्रोग्राम से भी हटने वाला है। तो आखिरकार क्या हुआ था हमारा अनग्रेजुएट गेमर के साथ, चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ और दिखाता हूँ। क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा मैं सिर्फ बताता नहीं हूँ, मैं सीधा लाइव प्रूफ भी दिखाता हूँ, ठीक है? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करके ये बात करते हैं कि हमारा अनग्रेजुएट गेमर की आईडी क्यों बैन हुआ था। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, आप लोगों को पता कि हमारे गेम के अंदर एक रूल्स है, रूल्स वही है कि आप लोग अनलिमिटेड गेम को इंजन नहीं कर सकते, अनलिमिटेड आप लोग गेम को नहीं खेल सकते, उसके लिए एक लिमिट है, लिमिट के अंदर आप लोगों को खेलना होगा। ऐसा नहीं है कि हर दिन आप लोग गेम प्ले करते रहोगे, ऐसा नहीं है हमारी सर्वर में। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारी आयुष गेमिंग के साथ हुआ है, क्योंकि हमारा आयुष गेमिंग ग्लोबल टॉप वन में जाने के लिए बहुत सारी मेहनत करता था, तो इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और तो उसके साथ साथ कुछ और भी दिक्कत हो सकता है, तो उसकी प्रॉपर रीजन आप लोग आयुष गेमिंग के मुंह से खुद सुन लो। सरप्राइज मिला था लाइव स्ट्रीम पे, वो सरप्राइज ये था जो हमारी रीजन वाली आईडी थी, जिसमें हम टॉप 3 चल रहे थे, टॉप 1 होने वाले थे, 200 की लीड थी, 200 की लीड थी, जिसको मैं 2-3-4 घंटे में कवर कर देता और मैं टॉप 1 हो जाता। वो आईडी सस्पेंड कर दी गई लाइव पर। एंड देखो इसका रीजन छोड़ो, तुम लोगों को पता मैं हैकर तो हूं नहीं भाई, और हैकरों से मेरे को सख्त नफरत है। लाइक कोई हैकर सामने आया तो मेरे मुंह से ऑटोमेटिक गाली निकलने लगती है, जबकि मैं गाली देता नहीं हूं, ये घरिया देता हूं। तो इसका रीजन हो सकता है गाइस ये कि पहला तो करीना वालों को लगा कि भाई ये प्लेयर कुछ अलग है भाई, AWM से क्लच कर रहा 1v4, 25-25 किल, 30 की KD, अल्ट्रा प्रो मैक्स लीजेंड प्लेयर है ये। तो पहचान नहीं पाए भाई हैकर तो नहीं है, एक रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है गाइस कि मैं इम्युलेटर पे खेल रहा हूँ और मैं BD सर्वर में खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन प्लेयर हूँ। और आप टेक्निकली देखो जो करीना की वेबसाइट है वहां पे अलाउ नहीं है इम्युलेटर पे खेलना। तो ठीक है, ये तो आप लोगों ने सुन लिया, ये क्लिप था कुछ दिन पहले की क्लिप था जब हमारी आयुष गेमिंग की आईडी बैन हुआ था, ठीक है। सो आप बात करते कि क्या हमारी आयुष गेमिंग ने फ्री फायर क्विट करने वाला है, या तो वो तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि पार्टनर प्रोग्राम से हटने वाला है, ठीक है। फ्री फायर पूरी तरह से छोड़ने वाला है ऐसा नहीं बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देखो भाई, लेकिन मेरे को ना एक झटका लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि हमारी जो फ्री फायर कम्युनिटी है ना, फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे अच्छा जिसका मैं गेम प्ले सोचता था, सबका अच्छा प्लेयर जो सोचता था, वो है हमारा अनग्रेजुएट गेमर में। उसकी हर वीडियो मतलब लाइव स्ट्रीम में तो देखने के लिए मैं इतना टाइम मेरे को नहीं मिलता था, लेकिन भाई उसकी जो हर वीडियो है ना, हर वीडियो में देखता था, उसकी जो गेम प्ले है बहुत तकड़ा लेवल का है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ हेडशॉट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन गेम प्ले किसी बंदा का जो ये बंदा है मेरे को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो आप लोगों को ये अच्छा लगता था या तो नहीं मेरे को बताना, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो हमारे अनग्रेजुएट गेमर पार्टनर प्रोग्राम से जब चले जाएंगे, उसके बाद जब अदर्स गेम खेलेंगे ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा भाई, मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं आप लोगों की ओपिनियन क्या है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है। मैं फ्री फायर ही गेम खेलता हूँ और किसी मतलब गेम पे मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आप लोगों क्या है मेरे को ये नहीं पता, सिर्फ ये मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप देख लेते हैं कि हमारे अनग्रेजुएट गेमर ने खुद क्या बता रहा है, उसकी जो विवेज को लेकर, पटना प्रोग्राम को लेकर, उसकी आईडी को लेकर, अभी ग्रेम में क्या कर रहा है, मतलब फ्री फायर किट करने वाले हैं या तो नहीं, आप लोग खुद सुन कर देता हूँ। देखो गाइस यहाँ पे आपको एक आईडी दिख रही होगी, एक बहुत ही ऊंची आईडी है, लीजेंडरी आईडी है, आपको दिख रहा है UGIUS बाय 90 लेवल की आईडी दिख रही है। और थोड़ी सी आगे और उंगली करूंगा तो यहाँ पे वीवेज भी दिख रहा है, मतलब उंगली जा रही नहीं है वहां तक, लेकिन वीवेज दिख रहा है। तो ये जो गाइस आईडी है, जो वीवेज है, ये वीवेज आपको कुछ दिनों बाद से इस आईडी पे नहीं दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे क्यों नहीं दिखेगा भाई, समझ चुके होंगे, लेकिन कुछ हमारे प्यारे मासूम भाई नहीं समझ पाए होंगे क्यों नहीं दिखेगा आयुष भाई, क्या हुआ? तो लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखो जो अपना करीना फ्री फायर का पार्टनर प्रोग्राम है, मैंने डिसीजन लिया है, बहुत ही मेरे लिए हार्ड डिसीजन था ये, ठीक है। और मतलब मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है कि मैं पार्टनर प्रोग्राम लीव कर रहा हूँ अभी के लिए। और उसका रीजन क्या है कि गाइस मेरे को अभी एक्सप्लोर करना है, मैं सिंपल सीधा बता देता हूँ, मेरे को अभी एक्सप्लोर करना है, मेरे को सारे गेम्स खेलने हैं, मेरे को ई स्पोर्ट खेलना है अभी, बस फ्री फायर का तो 3 साल से है नहीं, पर मेरे को ई स्पोर्ट खेलना है अदर गेम्स का, मेरे को एक प्रॉपर गेमर बनना है गाइस अभी के लिए। मैं सब कुछ एक्सप्लोर करूंगा और यही तो उम्र है यार,
21-22 साल यही तो उम्र है, फिर टाइम निकल जाएगा, क्योंकि 3 साल से मैं ई-स्पोर्ट नहीं खेला हूँ। और मैं पहले ई-स्पोर्ट प्लस यूट्यूब करता था, और देखो ई-स्पोर्ट तो ई-स्पोर्ट हो गया यार, मतलब फ्री फायर दूसरा गेम मैं तुमको दिखूंगा गाइस। और एक और चीज क्लियर कर देता हूँ आपको, ये मैं पार्टनर प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं फ्री फायर छोड़ रहा हूँ, मैं फ्री फायर जैसे खेलता था आपको एंटरटेन करता था स्नाइपिंग के साथ, AWM टॉप वन, रीजन टॉप वन, वर्टिकल लाइव स्ट्रीम, हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम, हॉरिजॉन्टल लाइव स्ट्रीम वो मैं करता रहूंगा, वीडियोस आती रहेंगे जिस तरह से खेलता हूँ। आप मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग पूरी तरह से समझ गए होगा, आप लोग समझ गए होगा तो बेटी का लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लेकिन मेरे को ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है भाई, दुख इसलिए हो रहा है कि पहले जो मैं आजुबे के गेम प्ले भी देखता था, लेकिन जब से वो फेस रिवील किया ना, फेस रिवील करने के बाद उसकी एक ही वीडियो में पूरी तरह से अभी तक नहीं देखा, क्योंकि अभी के टाइम में आजुबे की वीडियो मेरे को 0% इंटरेस्ट नहीं रहता उसकी वीडियो में, खुद आप लोगों में बता रहा हूँ ठीक है। तो पता नहीं गाइस क्या होने वाला है, तो देखते हैं आंजू रिजन गेमर ने क्या करने वाला है, क्या धमाका करने वाला है। आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करते रहो, लेकिन भाई तुम लोग मेरे को सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है, आप लोग मेरे को सपोर्ट मत करो, मैं जैसा हूँ टेकू हूँ भाई, क्या बताऊँ आप लोगों को ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।